सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी थोड़ा सारिया का साढ़े यूट्यूब चैनल डेली पंजाब वैदर से। लैके आप हाजिर हुए हैं जी इस वेले की वड्डी खबर। झोना लाने वाले किसानों लई मुख्यमंत्री ने करता वड्डा ऐलान जी, हुण मिलणगे 1000 प्रति एकड़, लगियां मौजां ही मौजां। बहुत ही वड्डी खबर है सरोते वीरो, वीडियो दे नाल अंत तक जरूर जुड़े रहना क्योंकि तुहाडे कम दी खबर है। सो वीडियो नाल बने रहना ते जिन्हां वीरां ने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लो जी, तां जो इसे तरह की हर एक छोटी वड्डी खबर तुहानूं मिलदी रहा करे। सो दोस्तों, वड्डी खबर लैके पेश होए हां जी। पंजाब सरकार ने किसानों लई वड्डा फैसला लिया है। सरकार झोने की सीधी बिजाई करने वाले किसानों की मदद करने का फैसला किया है। पंजाब सरकार अजिहे किसानों 1500 रुपए प्रति एकड़ सहायता देगी। किसान 20 मई तो झोने की सीधी बिजाई कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों अपील की है कि धरती हेठले पानी के पद्धर बचाना समय की मुख लोड़ है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झोने की सीधी लुआई किसानों लिए लाहेवंद साबित होगी। उधर पंजाब के पटियाले हुई हिंसा से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वड्डा बयान दिता है। उन्होंने न्यूज 18 इंडिया नाल गलबात दौरान दावा किया है कि दो भाईचारियों की लड़ाई नहीं सगों दो सियासी पार्टियां विचाले लड़ाई है। उन्होंने इस घटना लई भाजपा ते अकाली दल नूं जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस घटना पिछे जो भी वह बच नहीं सकेगा किसी नूं भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी अहुदे ते होवे। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि पटियाला की घटना पिछे भाजपा शिवसेना और अकाली दल के लोग हैं, ये दो भाईचारे की नहीं सगो दो सियासी पार्टियों की लड़ाई सी। उसे दिन भाजपा के अश्विनी शर्मा मत्था टेकन जा रहे थे। उन्होंने दोष लाया है कि विरोधी पार्टियों को आम आदमी की पार्टी की सरकार की तरक्की हजम नहीं हो रही, जिस करके ये सब कुछ किया जा रहा है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा भावें कोई भी पोस्ट पर हो।